नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को थोड़ा सा इस संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। ये तब इसके माध्यम से हम अवधारणात्मक स्तर पर जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों को भी समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ जो है यदि मेंस के स्तर पर, जबकि यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, को समझने का प्रयास करेंगे। और ये हम उम्मीद व्यक्त करते हैं कि इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को जो है समझने में आपको मदद मिलेगा। तो यद्यपि अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो, या भारत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला जो है एक विकासशील देश है, फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद से जो है काफी कुछ संरचनात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से जो है देखे जा रहे हैं। और आज की डेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में काफी कुछ बदलाव स्वतंत्रता के बाद से जो है हो चुका है। यहां पर मैंने दो शब्द जो है कहा है, एक तो जो है मिश्रित जो है और दूसरा जो है विकासशील। मिश्रित और विकासशील, मिश्रित का तात्पर्य यह हो गया, थोड़ा सा मिश्रित विकासशील और ऐसे शब्द जब आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार परीक्षा में कि जो है जैसे पूंजीवादी या समाजवादी। नहीं, मिश्रित का मतलब होता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों के सह अस्तित्व के व्यवस्था को स्वीकार किया जाता है और उन दोनों की जो है गतिविधियों के माध्यम से विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, वो व्यवस्था होती है समाजवाद। वो व्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वो व्यवस्था होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में स्वतंत्रता के बाद से इसे इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर निवेश की आवश्यकता ज्यादा होती थी किंतु लाभ वहां से बहुत ही दीर्घ काल में प्राप्त होने की संभावना थी, तो उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के द्वारा जो है निवेश की संभावना नहीं थी क्योंकि निवेश निजी क्षेत्र के द्वारा वहीं किया जाता है जहां पर लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन ऐसे कुछ क्षेत्र थे जैसे कृषि का क्षेत्र हुआ या अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास हुआ, तो इन सभी क्षेत्रों में जो है निजी क्षेत्र तत्काल जो है निवेश नहीं करता है। ऐसी स्थिति में सरकार ने उस क्षेत्र में विकास के दायित्व को जो स्वीकार किया और वहां के लिए उसने सार्वजनिक जो है क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार किया, जबकि ऐसे क्षेत्र जहां पे तेजी से विकास हो सकते थे वहां पर जो है निजी क्षेत्रों ने विकास किया। निजी क्षेत्रों के जो है हम उद्यम को, उन क्षेत्रों के जो प्रयास को, उनके जो है तकनीक और पूंजी के लाभ को प्राप्त करने के लिए उनकी भी व्यवस्था को स्वीकार किया ताकि हम कम समय में जो विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करके यहाँ के नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात को स्वीकार कर लिया। दूसरा है विकासशील, विकास की बात यहाँ पर विकास से संबंधित है, यानी कि देश में जो है प्राकृतिक संसाधन और दूसरी तरफ है मानवीय संसाधन, दो चीजें आई। इन प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के विकास के आधार पर जब किसी देश की जो है स्थिति का अध्ययन किया जाता है तो उसका अध्ययन हम लोग तीन रूपों में करते हैं, अल्प विकसित देश, विकासशील देश और तीसरा है जो है विकसित देश। जब प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के विकास के स्तर के आधार पर किसी भी देश का मूल्यांकन किया जाता है तो तीन फिगर हमारे सामने निकल करके सामने आते हैं, एक तो अल्प विकसित, दूसरा विकासशील और तीसरा विकसित देश होते हैं। ऐसा देश जैसे जिसमें काफी समय तक जो है अफ्रीकन कंट्री के देश आते हैं जिन्हें जो है हम लोग अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, वहां पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का विकास नहीं हो रहा था, वह अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते थे। लेकिन ऐसे देश जिन्होंने अपने प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को विकसित करने का प्रयास किया और वह विकास की दौड़ में कुछ आगे तक भी बढ़े लेकिन उनका जो है उच्च समय अनुकूलतम विकास नहीं हो पाया तो उन्हें विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया। भारत जो है अभी भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के देश की श्रेणी में सम्मिलित होता है। विकसित देश ऐसे हैं कि ऐसे देश जहां पर प्राकृतिक एवं मानवीय जो है संसाधन का जो विकास अपने उच्चतम स्तर तक जो है पहुंच गया है उन्हें जो है विकसित देश कहा जाता है। इसमें जो है
एशिया के देश में जो है जापान को रखा गया है, जबकि यूरोप और अमेरिकन कंट्री के देश जो है इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का विकास अगर पूछा जाए तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो दो और फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूंजी और दूसरा जो है वो तकनीक की आवश्यकता होती है। यह पूंजी और तकनीक की जहां पे जो है उपलब्धता है उन्हीं देशों का जो है विकास हो पाता है। तो इस आधार पर जो है भारत में अगर देखा जाए तो पूंजी और तकनीक की व्यवस्था स्वतंत्रता के बाद तत्काल नहीं थी, धीरे धीरे इस दिशा में परिवर्तन हो रहा, और जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा वैसे वैसे प्राकृतिक मानवीय संसाधनों का विकास किया जा रहा है और देश के अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन आ रहा है। मैंने यहाँ पर एक शब्द और बोला, विभिन्न क्षेत्र, या जिन्हें कहा जाता है अर्थव्यवस्था के विभिन्न सेक्टर। तो इसमें जो है प्राथमिक जो है सेक्टर, द्वितीयक जो है सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र को जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र को इसमें सम्मिलित किया गया। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को जैसे पशुपालन, बागवानी, मुर्गी पालन, खनन इत्यादि क्षेत्रों को शामिल किया जाए। तो द्वितीयक में जो है विनिर्माण क्षेत्रों को, और तृतीयक में जो है बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, संपदा, इन सभी चीजों को जो है, पर्यटन, सारी चीजों को, इसमें सेवाओं को शामिल किया जाता है, जिससे उत्पादन तो नहीं होता है लेकिन ये जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की जो है वो मदद करने का काम करता है ताकि इनके द्वारा उत्पादन की गतिविधियां हो सके। इसीलिए तृतीयक क्षेत्र में इन्हें जो है सेवा का नाम दिया गया है, और द्वितीयक क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में जो है विनिर्माण काम आता है, यानी कि जो पहले ही जो है प्राथमिक गतिविधियों के बाद उत्पादित हो चुके हैं वस्तु, उनके स्वरूप में परिवर्तन करके उनकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाना। तो चूंकि ये समस्त कार्य जो है उद्योगों के माध्यम से होते हैं, इसलिए औद्योगिक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र में जो है हम प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से वस्तुओं का विभिन्न स्तरों पर उत्पादन करते हैं। तो जैसे यानी कि जो है सूर्य के कीड़ों की उपस्थिति में वायु और जल, तापमान इत्यादि के माध्यम से गेहूं का उत्पादन करना, तो ये जो है गेहूं क्या हो जाता है वो प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत आता है। चूंकि इसमें ज्यादातर काम कृषि के लिए होता है इसीलिए इसे कृषि भी कहा जाता है, लेकिन इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, वानिकी इत्यादि को शामिल किया जाता है, इसलिए कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे इसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे जो परिवर्तन आया, जैसे जैसे जो पूंजी और तकनीक में हम लोग आगे बढ़ना शुरू किए। अब हम थोड़ा सा जो है इसको आगे देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ। जैसे अगर पॉइंट नंबर वन देखा जाए, हम कृषि या उसके प्राथमिक क्षेत्र को देखें, तो प्रारंभिक अवस्था में जो है स्वतंत्रता के समय 58% भारत की जीडीपी में इसका रोल था, लेकिन आज के समय में जो है ये 14 से जो है 15% की स्थिति पे आ गया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें उत्पादन कम हो गया है, उत्पादन इसमें भी बढ़ रहा है, लेकिन सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इनका परसेंटेज जो है कम है। मात्रात्मक रूप से इसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन आनुपातिक रूप से या जो है प्रतिशत के स्तर पर इसमें जो है कमी आई है, जो कहीं ना कहीं एक जो है अर्थव्यवस्था के विकसित होने के लक्षण को बताता है। वहीं पर दूसरी तरफ जो है औद्योगिक क्षेत्र में पहले जो है इसका जो योगदान था वो बहुत ही कम था, आज की डेट में जो है ये 29-30% के जो है स्तर पर पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में भी जो है वृद्धि हो रही है औद्योगिक क्षेत्र में, जो कि पूंजी एवं तकनीक के आधार पर प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के विकास पर निर्भर करता है। तीसरी बात हम लोग देखें तो तीसरी बात अगर यहाँ पे करें तो सेवा क्षेत्र का योगदान स्वतंत्रता के समय 11% था, और आज के समय अगर देखा जाए तो ये जो है 55-56% के स्तर पर है, यानी कि सेवा क्षेत्र बहुत ही कम था लेकिन आज की डेट में बहुत ही तेजी से विकसित हुआ, और यही एक विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था का लक्षण होता है। तो इन सभी बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक और विकसित देश होने वाले लक्षण के आधार पर परिवर्तन हो रहा है। अगली बात इसमें हम चौथी देख लें कि प्रारंभ में जो कृषि केवल जीविका का साधन था, लेकिन बाद में जो है यह निर्यात का, विदेशी मुद्रा को प्राप्ति का, तैयार माल के खपत का, और विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग जो उद्योग, प्रसंस्कृत जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल प्रदान करने का जो भी माध्यम बना, क्योंकि हमारे यहाँ कॉमर्शियल जो है भी क्रॉप्स इत्यादि को जो है प्रोडक्शन के लिए जो बढ़ाया जा रहा है।
पांचवें क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं कि पहले जो है वो निर्यात का जो स्वरूप था वो कृषि पर आधारित था, लेकिन आज की डेट में जो है औद्योगिक और सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का रोल है, यानी कि हम इस क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ा रहे हैं तभी वहां से हम निर्यात कर रहे हैं, तो ये इसका जो है रोल है। अगली बात जो हम लोग देखेंगे कि इस क्षेत्र में जो है हम पूंजीगत एवं आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योग आधारभूत एवं जो है पूंजीगत उद्योगों को बढ़ा रहे हैं। पूंजीगत आधारभूत का मतलब एक ऐसे उद्योग से है जिनके आधार पर हम पुनः अन्य वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों के आधार पर जो है हम वस्तु और सेवाओं का उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो कहने का मतलब वो अर्थव्यवस्था के लिए आधारभूत उद्योग होता है। पूंजीगत का तात्पर्य है कि ऐसे उद्योग जिसमें पूंजी का भी जो है निवेश करना पड़ता है, और इसीलिए जो है यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर हर व्यक्ति के द्वारा निवेश नहीं किया जा सकता है, और इसीलिए जो है पूंजी और तकनीक की आवश्यकता होती है। इसीलिए किसी भी देश के जो है प्रारंभिक स्तर पर ऐसे उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती, धीरे धीरे इसमें होता है। और भारत में जो है आज की तिथि में जो है इस क्षेत्र में काफी कुछ निवेश हो रहा है, चाहे कपड़ा का मामला हो, चाहे इस्पात उद्योग का मामला हो, या इसी तरीके से जो है खाद्यान्न से संबंधित उद्योग है, सारी क्षेत्रों में जो है आधारभूत उद्योगों की जो स्थापना यहाँ पे की जा रही है। निर्यात के लिए विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट को जो है या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को जो भी बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। आधारभूत संरचना पर बल दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। भारत में अगर देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में सड़कों का एक उदाहरण लिया जाए तो 20 साल पहले किसी क्षेत्र में सड़कें नहीं थी, आज उस जिले की जो है महत्वपूर्ण सड़कें तो कम से कम और नहीं तो लिंक रोड भी जो है आज की डेट में अच्छी स्थिति में बन गई है। यानी कि यह विकास का जो एक प्रतीक है कि दिन प्रतिदिन इस क्षेत्र में विकास की जो है उच्च स्तर को हम प्राप्त कर रहे हैं। रेलवे लाइनें बिछाई जा रही हैं, हम जो है बंदरगाह का विकास कर रहे हैं, इसी तरीके से बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान को खड़ा कर रहे हैं, तो आधारभूत जो है संरचना का हम लोग जो है कहीं ना कहीं विकास कर रहे हैं। 1990 के दशक में LPG का कॉन्सेप्ट आया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। जहां पे हमारी आवश्यकता है वहां से हम अपनी आवश्यकताओं को ले रहे हैं, जहां हमारे पास अतिरेक है उन अतिरेक को हम विदेशों को दे रहे हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था ऐसी स्थिति में हम जो है दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़ करके तेजी से विकास के उच्च स्तर को जो है प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। और अगली महत्वपूर्ण चीज है कि एजुकेशन एंड जो है हेल्थ, एजुकेशन एंड हेल्थ पर हम लोग जो है काफी कुछ खर्च कर रहे हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी जो है पारित किया गया है, और इसी तरीके से ग्रामीण हेल्थ मिशन जो है चलाए गए हैं, NRHM जो है चलाया गया है, और NUHM यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013 ईस्वी में और 2005 ईस्वी में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM जो है प्रारंभ किया गया है। तो 2005 और 2013 में इस दिशा में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और 2009 ईस्वी में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है पारित किया गया, जिसके माध्यम से शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को जो है अगर उल्लेख किया जाए 8 से 9 बिंदुओं को, तो इसके आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है, और इस परिवर्तन का कारण भारत में पूंजी और तकनीकी के क्षेत्र में जो विकास है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को हम विकसित कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। तो जहां तक हमारी यात्रा पूरी हुई है, हम इस तरीके से और इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने में सफल होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तन के इस टॉपिक को समझने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, इसके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप को आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।